तो क्या हाल है मेरे भाइयों, मैं हाजिर हूँ करने वीडियो के साथ। और यहाँ पे आज के इस वीडियो में आपको दिखाऊंगा कि जो सेंट्रल बैंक का एप्लीकेशन आता है उसमें जाके कैसे आपको जो अपना डेबिट कार्ड का इंटरनेशनल यूसेज जो ऑप्शन होता है, अगर मान लीजिए आप कहीं इंटरनेशनली जो अपना जा रहे हैं या ट्रांजेक्शन करना चाहते हैं ई कॉमर्स वेबसाइट पर, जो इंटरनेशनल वेबसाइट्स हैं, तो वहाँ पर बेसिकली आप क्या कर सकते हैं, अपना जो एप्लीकेशन है उसमें ही जाके आप यहाँ पर अनेबल कर सकते हैं। तो जब भी आपको बैंक से जो डेबिट कार्ड प्रोवाइड किया जाता है वो बाई डिफ़ॉल्ट आपका इंटरनेशनल यूसेज डिसेबल रहता है। तो यहाँ पे मैं इस वीडियो में वही दिखाऊंगा कि कैसे आपको अनेबल करना है। तो पहले क्या करना है आपको, देखिए अपना सेंट्रल बैंक का जो एप्लीकेशन है उसमें लॉगिन कर लेना है। तो यहाँ पे देखिए हमारा यूज़र नेम और पासवर्ड है, तो चलिए यहाँ पे मैं अपना यूज़र नेम और पासवर्ड यहाँ पर डाल के पहले लॉगिन कर लेता हूँ। तो यहाँ पे देखिए हम अपने एप्लीकेशन में लॉगिन हो चुके हैं सक्सेसफुली। लॉगिन होने के बाद देखिए आपको यहाँ पे अकाउंट्स का ऑप्शन मिलेगा, ट्रांसफ़र का ऑप्शन मिलेगा, कार्ड्स का ऑप्शन मिलेगा, आपको तीन ऑप्शन देखने के लिए मिल जाएंगे। तो यहाँ पे देखिए हमारा जो मतलब जिस चीज़ के ऊपर मैं वीडियो बनाने वाला हूँ हमारा कार्ड्स का है। तो आपको देखिए यहाँ पे कार्ड्स के ऊपर क्लिक करना है। अब जैसे यहाँ पे कार्ड्स के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखिए आपको वेरियस ऑप्शंस मिलेंगे। तो आपको देखिए यहाँ पे जो फर्स्ट ऑप्शन आपको मिलेगा डेबिट कार्ड कंट्रोल, आपको यहाँ पे क्लिक करना है। अब जैसे यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपका देखिए यहाँ पे कार्ड दिखाएगा, लास्ट का 4 डिजिट और फर्स्ट का 4 डिजिट। तो यहाँ पे देखिए हमारा कार्ड स्टेटस जो है वो अनेबल है, अभी यहाँ पे ऑन है। और यहाँ पे देखिए आपको एक ऑप्शन दिखेगा यहाँ पे, जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख पा रहे हैं, टाइप है ATM कैश विड्रॉल POS ई कॉमर्स और यहाँ पे देखिए कॉन्टैक्ट लेस। तो यहाँ पे मैंने ये सब मॉडिफाई किया हुआ है, लेकिन यहाँ पे देखिए हमारा जो इंटरनेशनल है ये यहाँ पे 000 है, क्योंकि हमारा जो इंटरनेशनल है अभी ये यहाँ पे डिसेबल किया गया है। तो मैं इसे दिखाता हूँ कैसे आपको अनेबल करना है। तो यहाँ पे देखिए आपको क्या करना है, मॉडिफाई लिमिट के ऊपर आपको क्लिक करना है। अब जैसे यहाँ पे मॉडिफाई लिमिट के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखिए डोमेस्टिक है आपका, डोमेस्टिक मतलब अब अगर आप इंडिया में यूज़ कर रहे हैं इसे, तो मतलब जो ऑफलाइन स्टोर्स हैं ऑनलाइन स्टोर्स हैं, तो इंटरनेशनल यूज़ करने के लिए डोमेस्टिक के ऊपर जैसे क्लिक करेंगे तो देखिए आप स्लाइड करेंगे तो आपको देखिए इंटरनेशनल का ऑप्शन मिल जाएगा। अब जैसे यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे देखिए हमारा जो कैश विदड्रॉल लिमिट है 0 है, POS 0 है, ई कॉमर्स का 0, कॉन्टैक्टलेस 0 है। तो यहाँ पर आप अपना जो लिमिट है, जो आपका मतलब डोमेस्टिक का जो लिमिट है, वो आप यहाँ पे इजीली डाल सकते हैं, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। तो पहले आप देखिए यहाँ पे ऑफ 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 लिखा है, तो पहले आप यहाँ पे इसे टॉगल बटन को ऑन कर दें, उसके बाद आप यहाँ पे कोई भी वैल्यू यहाँ पे डाल सकते हैं। जैसे यहाँ पे मैं देखिए यहाँ पे 30,000 यहाँ पे डाल दिया हूँ, और उसके बाद देखिए POS में आप यहाँ पे ऑन करें, उसके बाद यहाँ पे जो डालना चाहें डाल सकते हैं, मतलब 50,000 डाल सकते हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि आप कुछ भी डाल सकते हैं, पहले आप जाके अपना जो लिमिट है आपको, मतलब जब भी ये डेबिट कार्ड प्रोवाइड किया जाता है उसके साथ में आपको एक पैम्पलेट मिलता है, उसमें सब आपका लिखा रहता है कितना आपका डेबिट कार्ड का लिमिट है इंटरनेशनल और डोमेस्टिक दोनों, आप उसी हिसाब से डालें, उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए, नहीं तो आपको प्रॉब्लम फेस करने के लिए मिलेगा। कभी कभी काम नहीं करता है कार्ड, तो उससे उसके अंदर ही डालें जो भी आपको चेंजेस करना है। ई कॉमर्स का आप डाल के यहाँ पे देखिए जो भी आप वैल्यूज डाल के करना चाहते हैं यहाँ पे सबमिट कर दें। अब जैसे यहाँ पे सबमिट करेंगे तो आपका जो कॉन्टैक्टलेस का जो फीचर है यहाँ पे वो भी कर सकते हैं, मतलब यहाँ पे सब फीचर ऑन करने के बाद आप यहाँ पे सबमिट पे क्लिक करने के बाद आपका जो इंटरनेशनल यूसेज है अनेबल हो जाएगा, और इंटरनेशनल और डोमेस्टिक दोनों आप इजीली चला सकते हैं कहीं पे भी। तो इस तरीके से आपको अपना सेंट्रल बैंक का डेबिट कार्ड का जो इंटरनेशनल लिमिट है उसे, मतलब इंटरनेशनल यूसेज है और लिमिट है उसे इंक्रीज या चेंज करना है। आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको कोई डाउट है, सवाल है, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। सोशल मीडिया लिंक्स है, हैंडल्स दिया हूँ, उसमें जाकर मेरे को फॉलो करके बात कर सकते हैं। आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी, और अच्छी लगी है बने रहिए हमारे चैनल पर। हम मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में।